morning to everyone and welcome on LKP and Chandrasekhar Thakur ji sir on FB live show. मैं ईश्वराब नासिक से आप सबका स्वागत करता हूँ. आज और अगला एक महीना हर शनिवार और रविवार सुबह 11 बजे श्री चंद्रशेखर ठाकुर से आप शेयर बाजार और इन्वेस्टमेंट के बारे में मार्गदर्शन सुन सकते हैं. एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड शेयर बाजार में 1948 से कार्यरत है. यह कंपनी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और जिस टाइप का इन्वेस्टर उस टाइप का इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड करते हैं. हमारे पास प्रोडक्ट के लिए हर प्रोडक्ट के लिए एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीम उपलब्ध है. एलकेपी के प्रोडक्ट्स लाइक एसपीआईपी, सेवन पिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान, स्पेड, ट्राइलॉजी हर दिन दिए जाने वाले एडवाइस उत्तम होते हैं. श्री चंद्रशेखर जी ठाकुर नामिका भी है. ऐसा व्यक्तिमत्व शेयर बाजार और डीमैट उनका आत्मा है. उन्होंने शेयर बाजार का या इस कार्यक्रम के 1500 से ज्यादा प्रोग्राम पूरे देश भर में किए हैं. 52 साल उन्होंने एक क्षेत्र में दिए हैं और आज भी यह शख्स हर दिन प्रोग्राम करते हैं. मैं इस एफबी लाइव शो पे श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो उनका प्रोग्राम शुरू करें. वेलकम सर. थैंक्स. नमस्ते दोस्तों, मैं चंद्रशेखर ठाकुर, एलकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड की ओर से आप सभी का स्वागत. गुड मॉर्निंग टू ऑल. हमने देखा पिछले एपिसोड में कि शेयर्स सेल परचेस होने के बाद सेटलमेंट कैसे होती है, जिसे कहते हैं पे इन और पे आउट. इसके बारे में तो हमने डिटेल में समझ लिया है, तो आज उस बात को नहीं दोहराएंगे. उसके आगे हम लोग जाएंगे कि क्या होता है जब पे इन पे आउट हो गया, जिसे सेटलमेंट कहते हैं. उसके बाद क्या होता है हम लोग देखते हैं. बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं, उन्होंने पूछा है कि समझो ये जो आपने श्रृंखला दिखाई कि उसमें से एक स्टेप पे कुछ रुकावट आती है तो क्या होता है. उसका जो जवाब है एक स्लाइड के माध्यम से मैं दे रहा हूँ. पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रमेश इज अ सेलर, उन्होंने शेयर्स दे दिए अपने ब्रोकर को, दैट मीन्स एलकेपी सिक्योरिटीज को. एलकेपी सिक्योरिटीज ने वो शेयर दिए बीएससी क्लियरिंग हाउस को, बीएससी क्लियरिंग हाउस ने वो शेयर दे दिए एक्सवाईजेड सिक्योरिटीज जो बायर ब्रोकर है, और एक्सवाईजेड सिक्योरिटीज ने वो शेयर्स दिए विजय को. ये आदर्श सिस्टम जो फ्लो है इसी प्रकार है. लेकिन जैसे मुझे पूछा गया कि कुछ कारणवश समझिए रमेश जिन्होंने शेयर सेल किया है, अगर वो ब्रोकर को शेयर नहीं दे पाता है तो क्या होगा. ऑब्वियसली ब्रोकर भी स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग हाउस को ऑन टी प्लस टू डे, दैट मीन्स पे इन के समय एलकेपी सिक्योरिटीज शेयर नहीं दे पाएंगे बीएससी क्लियरिंग हाउस को. फिर बीएससी क्लियरिंग हाउस एक्सवाईजेड ब्रोकर है, उन्हें शेयर्स कहाँ से देंगे, क्योंकि एलकेपी सिक्योरिटीज दे नहीं पा रहे हैं. तो इस समय में क्या होता है, देयर इज अ प्रोसीजर लेड डाउन बाय बीएससी और एनी स्टॉक एक्सचेंज. ऐसे सिचुएशन में बीएससी क्या करती है, जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं ऑक्शन. मित्रों, ऑक्शंस जब हम बात करते हैं तो हमेशा हमारे सामने आता है वो दृश्य, हिंदी पिक्चर्स में अक्सर हुआ करता था जूने जमाने में. कोई विलन होते थे, जीवन कन्हैया लाल, किसको कर्जा देते थे और कर्जा वापस नहीं किया तो घर का सब सामान बाहर निकल के उसको ताला लगा देते थे, उसको कहते हैं ऑक्शन. शेयर बाजार में ये ऑक्शन जो है उसकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है, उसके बारे में हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे. अभी देखिए, रमेश ने शेयर नहीं दिए एलकेपी को, एलकेपी ने नहीं दिए बीएससी क्लियरिंग को. ये बीएससी क्लियरिंग हाउस इस सिचुएशन में क्या करेगी, मार्केट से शेयर्स परचेस करेंगे. फॉर एग्जांपल वो 50 शेयर्स हो गए कोई भी एक्सवाईजेड कंपनी,
तो 50 शेयर्स बीएससी करेगी और मार्केट से जब बाय करती है बीएससी क्लियरिंग हाउस एक्स वाई जेड सिक्योरिटीज को देने के लिए, उस समय अगर शेयर्स का भाव ओरिजिनल जो ट्रांजेक्शन्स हो गया उससे ज़्यादा है तो क्या होगा? ऑब्वियसली वो जो डिफरेंस की रकम है वो डिफरेंस की रकम बीएससी वसूल करेगी एलकेपी सिक्योरिटीज से, इन टर्न एलकेपी सिक्योरिटीज वसूल करेंगे अपने क्लाइंट से, क्योंकि क्लाइंट ने शेयर नहीं दिए इसलिए नौबत आ गई है। सो ये जो प्रक्रिया है उसके कहते हैं ऑक्शन। ऑब्वियसली ऐसे शेयर बाय करके बीएससी क्लियरिंग हाउस दे देंगे एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड दे देगा विजय को, इस प्रक्रिया को ऑक्शन कहते हैं। इसी बात पर एक और भी सवाल मेरे पास आया था, अगर समझिए बीएससी क्लियरिंग हाउस शेयर्स बाय करती है मार्केट में से, उस समय अगर शेयर्स का भाव ओरिजिनल जो ट्रांजेक्शन हुआ था उससे कम होगा तो क्या होगा? यस, ऐसे हो सकता है। सो इन दैट केस क्या होगा? रिकवरी का तो सवाल नहीं है एलकेपी सिक्योरिटी से, क्योंकि कम भाव से शेयर मिले बीएससी क्लियरिंग हाउस को। सो इन दैट केस वो डिफरेंस का पैसा है, वो डिफरेंस का बचा हुआ पैसा बीएससी क्लियरिंग हाउस एलकेपी सिक्योरिटीज को नहीं देंगी। बीएससी क्लियरिंग हाउस विल नॉट गिव दैट मनी टू एलकेपी सिक्योरिटीज बिकॉज दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिलीवर द शेयर्स इन टाइम। तो ये जो बची हुई रकम है दैट विल बी फोरफिटेड बाय बीएससी क्लियरिंग हाउस एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन IPF इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ऑब्वियसली कि ये जो प्रक्रिया हो गई उसमें कुछ पेनल्टी तो लगेगी ही एलकेपी सिक्योरिटीज को, इन टर्न एलकेपी सिक्योरिटीज विल रिकवर दैट पेनल्टी फ्रॉम रमेश, वो तो होगा ही, लेकिन जो बचा हुआ पैसा डिफरेंस का वो होगा जमा IPF में। हमने पहले एपिसोड में देखा था कि IPF के जरिए इन्वेस्टर्स को 15 लाख रुपीज की प्रोटेक्शन है, वो ये IPF है वहाँ पर जाता है। अभी तीसरी एक शक्यता ऐसी है, पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है, कि समझिए अगर बीएससी को शेयर मिले नहीं ऑन द पर्टिकुलर डे, देर इज नो सेलर इन द मार्केट, तो बीएससी करेंगी। इन दैट केस बीएससी क्या करती है कि ओरिजिनल जो ट्रांजेक्शन्स हो गया था उसके 2 दिन पहले और वो दिन में जो प्राइस है उसके एवरेज प्राइस निकाल कर 20% ट्रांजेक्शन्स वैल्यू जो है वो पेनल्टी के रूप में वसूल करेगी एलकेपी सिक्योरिटीज से, एलकेपी वसूल करेंगे रमेश से, एंड दैट अमाउंट विल बी गिवन टू एक्स वाई जेड सिक्योरिटीज, एक्स वाई जेड सिक्योरिटीज विल गिव दैट अमाउंट टू विजय। तो विजय को क्या हुआ? शेयर्स नहीं मिले लेकिन ओरिजिनल जो ट्रांजेक्शन हुआ था उससे 20% रकम उनको ज़्यादा मिल गई। इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोज आउट। मित्रों, इसका मीनिंग जो है क्लोज आउट का, इट इज़ वेरी सिंपल, शब्द में मीनिंग है क्लोज आउट मीन्स मैटर इज क्लोज, नथिंग इज केप पेंडिंग, मैटर क्लोज हो गया, शेयर नहीं मिले पैसे दे दिए। तो इस प्रकार देर इज अ प्रोसीजर फॉर एवरी जो ऐसी घटना होती है तो उसको बोलते हैं ऑक्शन। ये कब होगा? मैंने शेयर्स बेचने की ऑर्डर दे दी और ब्रोकर्स को शेयर्स की डिलीवरी टाइम पर नहीं दे पाया तो ये प्रक्रिया हो सकती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आई हैव टू मेक श्योर दैट मैं शेयर सेल का ऑर्डर देता हूँ, मेरे डिमैट अकाउंट्स में उतने शेयर होने जरूरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि BTST क्या होता है? BTST का फुल फॉर्म है बाय टुडे सेल टुमारो। हमने शुरू शुरू में देखा है T+2, मतलब मंडे को अगर मैं शेयर बाय करता हूँ तो वेनसडे दैट इज T+2 ऑन वेनसडे मेरे डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे। अगर वही शेयर्स जो मैंने बाय किया है, अगर मैं ब्रोकर को ऑर्डर देता हूँ ट्यूसडे को कि भैया अभी सेल कर दीजिए, मीनिंग बाय टुडे बाय ऑन मंडे सेल टुमारो, सेल ट्यूसडे को। अभी आपने देखा अगर ट्यूसडे को शेयर सेल करता हूँ तो नेक्स्ट डे वेनसडे को मुझे डिलीवरी देनी है ब्रोकर को, फाइन ना। मंडे को बाय किया, बुधवार को मेरे डिमैट अकाउंट में आने वाले हैं, उसी शेयर्स को मैं ट्यूसडे को बेच के वेनसडे डिलीवरी दे सकता हूँ। दिस इज आइडियली व्हाट हैपन्स, लेकिन इन सम केसेस ऐसे होता है कुछ कारणवश ब्रोकर अगर T+2 पर शेयर्स नहीं दे पाते हैं अपने क्लाइंट को तो क्या होता है, एक दिन सेबी ने उन्हें परमिशन दे दी है। इन एक्सट्रीम केसेस ठीक है नहीं दे पाते हैं, कुछ जेन्युइन रीजंस है तो सेबी कहती है ठीक है भैया T+2 के बजाय T+3 पे दे दो। सो इन दिस केस अगर मेरे डिमांड में शेयर्स आएंगे थर्सडे को तो मैं कहाँ से दे दूंगा वेनसडे डिलीवरी? नहीं दे पाऊंगा, फिर क्या होगा? ऑक्शन होगा जो हमने देखा है वो। सो व्हाट आई मीन कि BTST ऐसे ठीक लगता है लेकिन इन सम केसेस वो रिस्की भी होता है। सो ये सब चीज़ ध्यान में रखने का आना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि ये T+2 ऑल दो है, बहुत से ब्रोकर थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं अपने क्लाइंट्स को शेयर्स के बारे में, पेमेंट के बारे में, लेकिन ये टोटली डिपेंड्स कि आपकी उनकी रिलेशंस क्या है,
वो मैंडेटरी नहीं ब्रोकर्स को आपको फेवर करने का। तो देर आर सम बैंक्स वो क्या करते हैं, उनकी जो सब्सिडरी है दे आर इन ब्रोकिंग बिजनेस, सो इंस्टेड ऑफ टी प्लस टू दे विल गिव पेमेंट टू देयर क्लाइंट ऑन टी प्लस वन ऑल्सो, खुद के जेब में से दे देती है जस्ट टू फैसिलिटेट द क्लाइंट। वो जरूरी नहीं है सर हर ब्रोकर करना चाहिए। सो इस प्रकार जो प्रोसीजर्स है हमने देखे हैं। अब हमने देखा कि आजकल क्या होता है कि किसी को समय नहीं है कि ब्रोकर का ऑफिस में जाना है, ऑर्डर प्लेस करना है, ब्रोकर को चेक देना है, किसी के पास समय नहीं है। तो घर बैठे ऑनलाइन व्यवहार करने के लिए लोगों को दिलचस्पी होती है एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वो जो ऑनलाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं थ्री इन वन अकाउंट, और उसके जरिए जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। वो कैसे होता है वो सिंपल शब्दों में हम लोग देखेंगे। ये थ्री इन वन अकाउंट मीन्स तीन अकाउंट होते हैं। वो कौन से तीन? कोई भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना जरूरी है जहां मेरे पैसे रहेंगे। दूसरा, कोई डीपी के पास डिमैट अकाउंट होना जरूरी है जहां मेरे शेयर्स रहेंगे। तो एलकेपी सिक्योरिटीज दे आर डीपी, सो वहां पे डिमैट अकाउंट ओपन करूंगा। और तीसरा जो अकाउंट है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, वो ब्रोकर के पास ओपन किया जाता है, अगेन एलकेपी सिक्योरिटीज ब्रोकर ऑल्सो, तो वहां पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है दैट इज अ रिलेशनशिप, माय ब्रोकर आई एम योर क्लाइंट। तो जो शेयर्स मैं बाय करता हूँ सेल करता हूँ एलकेपी थ्रू करूंगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वहां पे वॉट एवर शेयर्स आई सेल और बाय उसका डिटेल्स होता है, वॉट एवर पेमेंट्स आई एम गिविंग टू ब्रोकर, वॉट एवर पेमेंट ब्रोकर मुझे देता है उसका भी वहां पे एक डिटेल्स लिखा हुआ रहता है। और एट द एंड ऑफ क्वार्टर ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो कुछ ट्रांजेक्शन्स है उसकी सेटलमेंट मीन्स पूर्तता करनी है आफ्टर एंड ऑफ थ्री मंथ्स, आफ्टर एंड ऑफ क्वार्टर्स। सो हो सकता है नेट अमाउंट मैं ब्रोकर को पेएबल रहेगी या ब्रोकर मुझे पेएबल रहेगा, सो दैट हैज़ टू बी क्लियर एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। और ये क्वार्टर का स्टेटमेंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट का दैट ब्रोकर हैज़ टू गिव टू हिज क्लाइंट, दैट इज अ रूल ऑफ सेबी। सो एक बार तीन अकाउंट ओपन किए फिर क्या होता है, मैं घर पे बैठे ये व्यवहार कर सकता हूँ। मैं घर बैठे ट्रेन में बस में बैठा हूँ, मैं लैपटॉप लेता हूँ या तो मोबाइल पर, उनके वेबसाइट जो है www.lkpsec.com, ये वेबसाइट पर मैं लॉग इन करता हूँ और मेरी ऑर्डर प्लेस करता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय 10 शेयर्स ऑफ कोलगेट कंपनी फॉर एग्जाम्पल। ये जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो इन्होंने क्या कहे, तीन जो अकाउंट है डिमांड अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, वो एक दूसरे को लिंक करके उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाई है। अब सॉफ्टवेयर क्या करती है, जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस कर दी, सॉफ्टवेयर विल डेबिट माय सेविंग्स अकाउंट एंड दैट मनी विल बी ट्रांसफर टू ब्रोकर्स बैंक अकाउंट। बाद में एलकेपी सिक्योरिटीज एज द ब्रोकर वो शेयर बाय करेंगे। हमने देखा है जैसे शेयर बाय होते हैं विद इन 24 आवर्स ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करता है, कॉन्टैक्ट नोट जनरेट करके ईमेल के थ्रू मुझे भेज देता है। एवरीथिंग इज डन बाय सॉफ्टवेयर, यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है। और टी प्लस टू डे में क्या होता है, ऑन टी प्लस टू डे मेरे डिमांड अकाउंट में 10 शेयर्स कोलगेट कंपनी के जमा हो गए। सो एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर ड्रिवन, यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी है। अभी देखिए इन दिस केस मैंने शेयर्स बाय किए 10 कोलगेट, लेकिन ब्रोकर्स को मुझे चेक देना जरूरी नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर ने मेरे सेविंग अकाउंट में से पैसे उठा के ब्रोकर के सेविंग अकाउंट में या ब्रोकर के करंट अकाउंट में जमा कर दिए। सो इसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो बहुत लोगों के मन में होता है व्हेनेवर आई डू प्रोग्राम्स इन विलेजेस, बोलते हमें करने के लिए पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा क्योंकि जब हम उनके वेबसाइट को लॉगिन ले लेते हैं। अभी देखिए मैंने एग्जांपल दे दिया एलकेपी, देर आर ब्रोकर्स हु प्रोवाइड दिस सर्विस, देर आर बैंक्स हु प्रोवाइड दिस सर्विस, एजेंट बैंक वो सर्विस प्रोवाइड करती है। फंडा वही है, एक्स वाई जेड बैंक के पास मेरा सेविंग्स अकाउंट रहेगा, एक्स वाई जेड बैंक के पास मेरा डिमांड अकाउंट रहेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट एक्स वाई जेड बैंक नहीं ओपन कर सकती है बिकॉज दे आर नॉट ब्रोकर। सो उनके पैनल पे कोई तीन चार ब्रोकर रहते हैं, एक ब्रोकर रहेगा फॉर एग्जाम्पल एलकेपी सिक्योरिटीज, तो वहाँ पे मैं ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करूँगा। फिर अभी जो ऑर्डर देनी है वो ऑर्डर दूंगा मैं www.xyzbank.com, आगे जो बात है उसी प्रकार होगी। सो इस प्रकार देर आर मेनी सर्विस प्रोवाइडर्स जो ब्रोकर उसके जरिए हम लोग कर सकते हैं, एवरीथिंग विल बी सेम, कोई उसमें फर्क नहीं है। सो मेरा सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, कोई बैंक होगी, कोई ब्रोकर होगा, सो इसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग। सो हम लोग जब उनको वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इस प्रकार स्क्रीन दिखता है। ये स्क्रीन एलकेपी का नहीं है, ये जनरल मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, देखिए ड्रॉप डाउन बॉक्स है सेल एंड बाय, मैं सिलेक्ट करूँगा फॉर एग्जांपल बाय, कौन सी कंपनी, लार्सन टुब्रो, कितने शेयर बाय करना चाहता हूँ 40,
क्या भाव से बाय करना चाहता हूँ, 1430 थी वहाँ पे, देखा लिमिट प्राइस, हमने देखा है लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस, सो आई गिव देम लिमिट कि मुझे 1433 में खरीदी है, यहाँ प्लेस पर क्लिक की है तो मेरी ऑर्डर जो है वो गई ब्रोकर के पास, ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडर के पास, और बाकी सब चीज़ हमने अभी देखी है। तो ये सब करने के लिए कोई ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, खाली चाहत होनी चाहिए सीखने के लिए, सुनने के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। सो एनीबडी कैन डू दैट। रही बात है कि कौन से शेयर्स लेने के, सो वंस आप उनका ऐप डाउनलोड करते हैं LKP सिक्योरिटीज का, तो मेनी रिकमेंडेशंस भी आपको मिलती है, बहुत से कंपनी का सब वहाँ पे कारोबार क्या होता है, उनका वर्किंग क्या है, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। कुछ प्रश्न मेरे पास आए थे कि सेबी के जो आप रूल बोलते हैं, सेबी ने प्रोटेक्शंस दे दिए है छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, वो क्या होते हैं। सेबी ने नियम क्या है कि आप जब एग्रीमेंट करते हो ब्रोकर के साथ, तो ब्रोकर और इन्वेस्टर एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, वो सिग्नेचर दोनों की जो होती है तो उसकी जेरोक्स कॉपी ब्रोकर ने क्लाइंट को देना ज़रूरी है, ऐसा सेबी का रूल है। उसी प्रकार आप जब डिमैट अकाउंट ओपन करते हो तो आपके बीच में कुछ डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, वो सब दोनों की तरफ से जो साइन होने के बाद उस डॉक्यूमेंट की जेरोक्स कॉपी डिमैट अकाउंट होल्डर्स को देना बंधनकारक है। और ये जब सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, DPI एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट्स, उसकी फॉन्ट साइज क्या होनी चाहिए, पेपर साइज क्या होनी चाहिए, वो भी सेबी ने स्पेसिफाई कर दिया। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ रहता है कंडीशंस अप्लाई, और वो कंडीशंस क्या है हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे सेबी ने स्पेसिफाई किया है कि पेपर साइज, फॉन्ट साइज, अगर वो बराबर नहीं है तो इन्वेस्टर कैन लॉज अ कंप्लेंट टू सेबी कि फलाना ब्रोकर है, उन्होंने जो दिया है मुझे वो आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं है। सो एवरीथिंग सेबी ने केयर लिए स्मॉल इन्वेस्टर्स की कि आपके लिए कोई चीटिंग नहीं करे। सो वॉट एवर यू आर साइनिंग यू मस्ट बी एबल टू रीड दैट, इसलिए फॉन्ट साइज, पेपर साइज निश्चित किए। नॉर्मली ब्रोकर्स डू नॉट वायलेट दोज रूल, क्योंकि उन्हें भी मालूम है सेबी के जो नियम है वो तो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और बहुत बार लोग पूछते हैं कि मैंने कहा नहीं, मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, फिर भी ब्रोकर ट्रांजेक्शन्स करें तो मैं क्या करूँगा। फ्रेंड्स, उसके लिए भी सेबी ने अरेंजमेंट की है। सेबी हैज़ कम आउट विद अ सर्कुलर ऑन 26 सितंबर 2017। सेबी क्या कहती है, आपके सूचना के अनुसार शेयर्स की सेल और परचेस होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, विदाउट योर इंस्ट्रक्शन, इफ ब्रोकर इज सेलिंग योर शेयर्स, ई ब्रोकर इज बाइंग यूर शेयर्स, तो क्या होगा, इट इज नोन एज अ अनऑथराइज ट्रेड। इसके लिए सेबी ने सर्कुलर निकाला, अगर से होता है विदाउट योर इंस्ट्रक्शन, इफ ब्रोकर सेल्स शेयर्स और बाय द शेयर्स, आप कंप्लेंट करते हो तो ब्रोकर को पूछा जाता है, यू शो मी द प्रूफ वेदर यूर क्लाइंट हैड गिवन ऑर्डर, टेलीफोन से, ई मेल से, फैक्स से, SMS से, इंटरनेट पे, कुछ तो है तो दिखाइए। अगर ब्रोकर प्रूव कर सका तो ठीक है, कहा जाता है उसके सामने प्रॉपर एक्शन और स्टेप लिए जाते हैं। इसके बारे में ये जो सर्कुलर है उसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा था, ऑफ कोर्स इन मराठी पेपर, बिकॉज आई एम राइटिंग कॉलम्स इन सम मराठी पेपर्स, सो दोज हु अंडरस्टैंड मराठी दे कैन सेंड मी रिक्वेस्ट। मेरा मोबाइल नंबर जो है वही मज़ा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे भेज दीजिए, ये PDF फाइल मैं आपको भेज दूंगा। सो इसके जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एवरीथिंग सेबी ने जो किया है इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर्स, यहाँ पे कोई मनमानी नहीं है, कोई भी कुछ करेगा ऐसा नहीं है, सेबी ने बहुत रूल्स बनाए और स्ट्रिक्टली वो फॉलो भी होते हैं। अगर कुछ नहीं करता है तो जैसे हमने देखा कि सेबी की वेबसाइट है https://course.gov.in, इन्वेस्टर कैन लॉज कंप्लेंट्स देयर। तो प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड ट्रेड, वो तो प्रोटेक्शन इन्वेस्टर्स को है ही। अभी अगला जो एपिसोड हम लोग देखेंगे उसमें हम, मतलब अगला एपिसोड कल होगा 11 बजे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड की कंसेप्ट क्या होती है। बहुत लोगों को ये जानने में क्यूरियोसिटी होती है कि म्यूचुअल फंड है क्या, क्योंकि आजकल हम लोग ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होती है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, इस प्रकार ट्रेन में हम लोग सुनते हैं। तो दोज हु आर फ्रेशर्स, उनके लिए म्यूचुअल फंड की संकल्पना होती है वो कल के एपिसोड में देखते हैं हम लोग। दूसरी बात, कुछ सवाल ऐसे आया है कि बोनस शेयर्स के बारे में आप कुछ कहिए। हमने देखा जब कंपनी को प्रॉफिट होती है तो कंपनी डिविडेंड दे देती है,
ज़्यादा प्रॉफिट होगी, ज़्यादा डिविडेंड देगी। लेकिन कुछ बार ऐसे होते हैं कि कंपनी को बहुत प्रॉफिट होती है तो उनके रिजर्व फंड में वो पैसे जाते हैं, तो अगर रिजर्व फंड बहुत बढ़ गया तो कंपनी सोच सकती है कि इन्वेस्टर्स को उसमें से कुछ शेयर दे देंगे, और वो जो शेयर्स देंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गए, उसके लिए एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उससे कुछ पैसा नहीं लेगी कंपनी, उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। अभी जब कंपनी बोनस शेयर्स देती है उसका मतलब ये है कि इट इज़ गिवन फ्री, उसमें कुछ ये नहीं है कि पैसा लेना है। अब बोनस शेयर्स किसको मिलते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अब किससे मिलेंगे उसके लिए कंपनी एक डेट डिक्लेयर करती है, उसी को बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। जैसे हमने देखा कि बोनस डिविडेंड डिक्लेयर करती है तब भी रिकॉर्ड डेट होती है, तो जिसके डिमैट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट पर 10:30 रात को जब शेयर्स हो गए ही विल बी एलिजिबल टू गेट द डिविडेंड। उसी प्रकार जब कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है उस समय भी रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करती है, उस रिकॉर्ड डेट 10 बजे जिसके डिमैट अकाउंट में शेयर्स हो गए उसको अलॉटमेंट होगी बोनस शेयर्स के। सो बोनस शेयर्स इज द फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कुछ पैसे कंपनी नहीं लेती है। मिस्टर सचिन वाणी जी का सवाल है, उसके बारे में मैं आपको मार्केट ऑपरेशंस के एक ऑफिसर है BSE के, उनके साथ मैं आपको कनेक्ट कर दूंगा क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर वो देख सकेंगे। ये प्रोग्राम के दरमियान मैं जो कहता हूँ दैट इज़ द बेसिक सब रूल्स देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि ऑक्शन होने के बाद जब ऑक्शन होती है तो पैसे रिकवर किए जाते हैं ब्रोकर के पास से, और ब्रोकर रिकवर करते हैं उसके क्लाइंट से। और क्लोज आउट के बारे में मैंने कहा कि अगर BSE को शेयर्स नहीं मिलते हैं तो BSE क्या करती है, क्लोज आउट करती है, मतलब 20% मनी रिकवर करती है। तो ये जो रूल्स है कभी कभी चेंज होते हैं, पहले कभी ऐसा था कि लास्ट उसके 20% कैलकुलेट करते थे, बाद में ऐसे नक्के हो गया कि लास्ट थ्री डेज का जो भाव था उसकी एवरेज निकल के वो करते। वो जो ऑपरेशनल रूल्स हैं ना वो टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, फॉर दैट वी हैव टू सी BSE सर्कुलर्स, क्योंकि हर बात जो 4 दिन पहले थी नॉट नेसेसरी आज हो गई, लेकिन जो फ़र्क होते हैं वो मामूली होते हैं, ऐसे फ़र्क मामूली होते हैं। तो फॉर दैट ये जो आपका सवाल है मिस्टर सचिन वाणी जी, मैं BSE ऑफिसर्स का आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये प्रोग्राम में हमने देखा कि सवाल भी आते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, लोग सवाल पूछते हैं, तो कल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और मॉर्निंग में फ़ोन था कि आप राइट शेयर्स के बारे में बोलिए, राइट शेयर्स के बारे में आगे मैं नेक्स्ट एपिसोड में बोलूँगा। लेकिन राइट शेयर्स में बोनस में फ़र्क ये होता है, बोनस शेयर्स एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, वेयर एज राइट शेयर्स के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, राइट शेयर्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं, फ्री नहीं मिलते, फ्री है तो बोनस शेयर। अभी राइट शेयर्स किसको बोलते हैं, सेम थिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कितने देने हैं दैट कंपनी डिसाइड्स। बोनस शेयर्स के लिए भी ले, जिसके पास 10 शेयर्स है उसको 10 शेयर्स बोनस देने हैं, या जिसके पास 10 शेयर्स है उसको 5 शेयर बोनस देने हैं, या 2 शेयर्स बोनस शेयर्स करके देने हैं, दैट कंपनी डिसाइड्स। वो रेशो बोलते हैं उसको, दैट अगेन डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, उसे हमारा शेयर होल्डर्स का कोई रोल नहीं रहता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी प्रकार जब राइट शेयर्स होते हैं वो राइट शेयर्स भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। हमेशा मैं मेरा ये व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, क्योंकि आपके कुछ प्रश्न है वे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं, मैं उनको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, तो उसका मैं जवाब ये प्रोग्राम के माध्यम से भी दे सकूंगा। सभी सवाल का जवाब ये प्रोग्राम में नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि 25 मिनट्स का जो समय है उसमें ऑलरेडी ये प्रेजेंटेशंस है, तो मैं सेपरेटली दे दूंगा। दूसरी जो बात है, आपको डिमैट अकाउंट ओपन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और मार्केट रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप जो LKP सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट है वो वेबसाइट पर नंबर्स है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ये मिस्टर विश्वनाथ बोदाड़े जिन्होंने प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया है, ये उनका नंबर देता हूँ 888-82-80555, आप उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और एनी अदर पर्सन ऑफ LKP सिक्योरिटीज, मैं उनका नंबर दे दिया मिस्टर बोदाड़े बिकॉज आई नो हिम पर्सनली, लेकिन उनके वेबसाइट पे और भी नंबर्स है, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। फ्रेंड्स, जो प्रोग्राम का समय है 25 मिनट्स वो भी पूरा हो चुका है, तो आज यहाँ पे रुकेंगे, फिर कल मिलेंगे 11 बजे, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले लेंगे, म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट क्या है,
फैक्ट शीट क्या होती है, SIP किसे कहते हैं, वो कौन कर सकता है, कितनी अमाउंट, ये सब चीज़ कल हम लोग देखेंगे। आज आपकी रजा ले लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।